Today I am going to tell you how to add moderator to your YouTube channel. First of all, we should know who is the YouTube moderator. A YouTube moderator is who can control your channel posting etc. जो आपके चैनल की पोस्टिंग को कंट्रोल करता है वो YouTube moderator है. What is the role of moderator? The moderator job is to help the audience get their needs met through a panel format. The moderator sets the tone, the pace and control of content, staying ever vigilant in keeping it relevant for audience. It is a moderator's responsibility to make sure the panel is lively, engaging and worthwhile. जो आपके चैनल की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और ऑडियंस को एंगेज करके उसको वर्थवाइल बनाता है वो आपका मॉडरेटर है, जो आपको चैनल को प्रमोट करने में सहायता करता है. हाउ टू मेक अ मॉडरेटर, मॉडरेटर बनाते कैसे? ओपन यूट्यूब स्टूडियो, फ्रॉम द लेफ्ट क्लिक सेटिंग कम्युनिटी, फ्रॉम द ऑटोमेटेड फिल्टर टैब क्लिक इन द मॉडरेटर बॉक्स. Type the name of the user you want to make a moderator. अब उसमें automated filter tab होता है जिसमें moderator ढेर सारे आते रहते हैं, वहाँ जा कर के moderator को आप appoint कर सकते हैं. अभी हमने किसी को नहीं किया इसलिए आपको हम अपना community tab नहीं दिखा सकते क्योंकि वहाँ पे अभी blank है. Do YouTube moderator get paid? क्या moderator को पैसा मिलता है? Moderator make $18.50 as an hour, about 37,000 a year. इतने डॉलर वो बनाता है. And have not received a raise in 2 years. लेकिन 2 साल से ये बढ़ा नहीं है. Which is the better moderator or admin? Admin अच्छा होता है कि moderator अच्छा होता है? It's easy to think of moderator as a monitoring people and content. While the group admin has access to everything, moderator can approve or deny membership request and post within a group. A moderator क्या कर सकता है? Members की request को post भी कर सकता है group में, approve भी कर सकता है और deny भी कर सकता है, मना भी कर सकता है. They can also remove post and comment on the post, block people from the group and pin a post. वो क्या क्या कर सकता है? Post को कमेंट में जो पोस्ट है उसको ब्लॉक कर सकता है, पिन कर सकता है या अनपिन कर सकता है. तो मॉडरेटर जो होता है एडमिन के जैसा ही काम करता है लेकिन एडमिन जैसा काम नहीं करता है. इज मॉडरेटर हायर देन एडमिन? देयर आर टू डिफरेंट रोल्स, एडमिन एंड मॉडरेटर. एडमिन इज द टॉप मैनेजर एंड द मैनेजर्स ऑल द ग्रुप सेटिंग. द मॉडरेटर इज इन चार्ज ऑफ डेली ऑपरेशन. क्योंकि एडमिन ही मॉडरेटर को अपॉइंट करता है या ऐड करता है इसलिए उसका पोस्ट जो होता है वो एडमिन से ऊपर नहीं होता है. लेकिन एडमिन जो होता है वो टॉप मैनेजर होता है और उसके बाद सारे ग्रुप की सेटिंग को वो मैनेज करता है और मॉडरेटर को चार्ज देता है कि वो उसकी हेल्प करे या उसके डेली ऑपरेशन में उसका हेल्प करे. इज मॉडरेटर हायर देन एडमिन? क्या मॉडरेटर एडमिन से ऊपर हो सकता है? नहीं हो सकता है. कैन मॉडरेटर ऐड एन एडमिन? यू हैव गॉट टू ऑप्शन. यू कैन मेक समवन एन एडमिन और अ मॉडरेटर. एन एडमिन हैज ऑल द सेम पावर एज यू. While the moderator can't do things like change the group name, admin जो होता है वो सबसे ऊपर होता है और moderator जो होता है वो helper type का होता है, वो group के name को change नहीं कर सकता. Find the member you want to make admin or moderator and click on the gear icon next to their name. Select either make admin or make moderator. और अगर आप उसको admin बना देते हैं तो वो as admin काम करेगा. अब जैसे WhatsApp में आप लोग चैट करते हैं तो कई एडमिन होते हैं, तो अगर एक एडमिन नहीं होता तो दूसरा एडमिन ऑपरेट करता है, तब वो मॉडरेटर की वहाँ पे उतनी ज़रूरत नहीं होती है. उस मॉडरेटर तभी होगा जब आप उसको अपने अंदर में अपॉइंट करिएगा.
कैन अ मॉडरेटर रिमूव एन एडमिन? अब ऐसा भी हो सकता है क्या कि मॉडरेटर एडमिन को हटा ही दे? मॉडरेटर कैन हेल्प एडमिन विद मैनेजिंग मेंबरशिप, रिव्यूइंग पोस्ट एंड हैव मोस्ट ऑफ द एडमिन प्रिविलेज विद अ फ्यू एक्सेप्शन सच एज चेंजिंग ग्रुप सेटिंग, रिमूविंग, ब्लॉकिंग अनदर एडमिन और मॉडरेटर. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मॉडरेटर एडमिन को हटा दे, क्योंकि उसको ये फैसिलिटी नहीं होती कि वो ग्रुप की सेटिंग को हटा दे, किसी को रिमूव कर दे, किसी को ब्लॉक कर दे. तो मॉडरेटर एडमिन को नहीं हटा सकता. व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड मॉडरेटर? एक गुड मॉडरेटर की क्या क्वालिटी होती है? द सेवन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज इनहेरेंट एनी एवरी ग्रेट मॉडरेटर. उसके अंदर नेचुरल क्यूरियोसिटी हो, ईज इन इंटरैक्टिंग विद पीपल हो, एबिलिटी टू रिमेन इम्पार्शियल, ओपन एंड अनबायस्ड. ऐसा नहीं हो किसी को ज़्यादा पसंद करे, किसी को कम पसंद करे, लोगों से अच्छे से बात करे, और उसमें ये क्यूरियोसिटी हो कि अच्छा किस टाइप के लोग आ रहे हैं, किस टाइप का काम करना है, किस टाइप की चीज़ें चल रही हैं. फ्लेक्सिबिलिटी हो, अकॉर्डिंग टू ऑडियंस वो वर्क करे, जो कम नॉलेज का आदमी है उसकी भी हेल्प करे और जो ज़्यादा नॉलेज का आदमी है उसको भी हेल्प करे. स्ट्रॉन्ग वर्बल स्किल, अच्छे से बोलने की क्षमता होनी चाहिए. एक्साइटेड अबाउट द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, और इसमें ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि डिस्कवरी जो चीज़ें नहीं जानता उसको कैसे जाने. क्रिएटिंग कंफर्ट एंड ट्रस्ट, और आप जब ऑडियंस को कंफर्ट देंगे, उसको सुविधा देंगे और उसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, तभी आप कुछ कर अच्छे मॉडरेटर बन सकते हैं और लोगों को अपने काम के लिए कन्विंस कर सकते हैं. व्हाट कैन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडरेटर डू ऑन यूट्यूब? अब मॉडरेटर भी कई तरह के होते हैं और वो क्या क्या कर सकते हैं. पहला है लाइव चैट मॉडरेटर. रिसोर्स रिप्रेजेंट अ मॉडरेटर फॉर यूट्यूब लाइव चैट. अ चैट मॉडरेटर हैज द एबिलिटी टू बैन और अनबैन यूजर फ्रॉम चैट, रिमूव मैसेजेस एंड परफॉर्म अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन फॉर द लाइव चैट. लाइव चैट के समय बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बकवास करते हैं और काम नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ लोगों को लाइव चैट में डिस्टर्ब करने जाते हैं, तो उनको ये मॉडरेटर हटा सकता है, उनके मैसेज को हटा सकता है और उनको बैन या अनबैन कर सकता है. डू चैट मॉडरेटर गेट पेड? क्या चैट मॉडरेटर को पेमेंट मिलता है? नो. ट्विच मॉडरेटर मे और मे नॉट बी पेड बाय द चैनल. दे मॉडरेटर फॉर सम लार्ज चैनल डू पे देयर मॉडरेटर. लेकिन कुछ बड़े चैनल जो होते हैं वो चैट मॉडरेटर को पेमेंट देते हैं. इजिली देयर टॉप और मोस्ट एक्टिव वन वाइल अदर मे सेंड आउट गिफ्ट फॉर बर्थडे एंड हॉलीडे. जो बहुत एक्टिव और बहुत बड़े चैनल वो तो देते हैं, लेकिन और जो होते हैं सिर्फ गिफ्ट या बर्थडे या हॉलीडे पे गिफ्ट दे देते हैं. अ डिस्कशन मॉडरेटर, ऐसा मॉडरेटर जो डिस्कशन करता हो. और डिबेट मॉडरेटर इज अ पर्सन हुज रोल इज टू एक्ट एज अ न्यूट्रल पार्टिसिपेंट इन द डिबेट और डिस्कशन. होल्ड पार्टिसिपेंट टू टाइम लिमिट्स एंड ट्राइज टू कीप देम फ्रॉम स्ट्रेइंग ऑफ द टॉपिक ऑफ क्वेश्चन बीइंग रेज इन द डिबेट. अब जैसे डिस्कशन में आप रोज टीवी पे देखते हैं, नेता लोग आते हैं तो हर किसी का टाइम सेट होता है, उसी तरह इसमें डिस्कशन मॉडरेटर जो होता है वो आपके ऑडियंस का टाइम सेट कर देता है और कोशिश करता है कि सब लोगों को इंटरेक्ट करे और उनसे बात करे और उनको टॉपिक में बोलने का मौका दे. व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ मॉडरेटर? मॉडरेटर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एन इवेंट मॉडरेटर इज द मास्टर ऑफ सेरेमनी ऑफ इवेंट. He or she is there to make sure that the speaker can do the best job and audience get the most of the day or session. अब जैसे इवेंट मॉडरेटर होता तो वो जब अपने इवेंट्स को हैंडल करता है तो वो कोशिश करता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उस इवेंट के बारे में उनके ऑडियंस को पता लगे और उस सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी बातों को कहकर लोगों को कन्विंस कर सके. He or she also make sure the speaker stick to the time and the moderator ask and moderate question. और पहले से प्रिपरेशन होता है, लोगों में हैंग्स आउट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, लोगों को प्रॉपर टाइम दिया जाता है, ये नहीं किसी को ज़्यादा किसी को कम दिया जाए.
और ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जिससे क्यूरी करता है, जिससे उनका बिजनेस या इवेंट सक्सेसफुल हो और उनके प्रोडक्ट के बारे में या उनके चैनल के बारे में या उनके जो भी इवेंट रखा है वो फुल्ली सक्सेसफुल हो और उनको फ्रूटफुल हो, जिससे कि उनको अच्छा रिस्पांस मिले। हाउ कैन आई बी अ गुड इवेंट मॉडरेटर, कोई कैसे गुड इवेंट मॉडरेटर बन सकता है, इसके लिए 10 प्रैक्टिस टिप्स फॉर एवरी इवेंट मॉडरेटर होनी चाहिए। पहला ये है कि जो इवेंट हैंडल करना जा रहा है वो उसको उस टॉपिक पे रिसर्च कर ले कि किस इवेंट पे कैसे बोला जाता है या क्या क्या उसकी ज़रूरतें हैं। नो योर पार्टिसिपेंट, कैसे लोग आपको ज्वाइन करने आ रहे हैं पता होना चाहिए। सोफेस्टिकेटेड हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो उस हिसाब से इवेंट हैंडलर होना चाहिए। प्रिपेयर अ परफेक्ट ओपनिंग लाइन, कुछ ऐसी लाइन शुरू में बोलें कि लोग इम्प्रेस हों और आपके इवेंट को ज़्यादा अच्छे से देखें। मेमोराइज द स्पीकर्स नेम, और जो बोलने वाले स्पीकर हैं उनका नाम पता होना चाहिए इवेंट में कि कौन कौन बोलने वाला है इवेंट में, क्योंकि कई लोग बोलते हैं। बी रेडिकली न्यूट्रल, और आप ज़्यादातर न्यूट्रल रहिए स्पीकर्स जब बातें करें, अपनी बातों को बताएं। बी द ब्रिज बिटवीन स्पीकर एंड ऑडियंस, अब जो बोल रहा है, अब जैसे चैनल पे जो जिसका चैनल वो बोलेगा और ऑडियंस कौन होंगे जो चैनल पे चैटिंग करने या चैनल पे स्ट्रीमिंग के समय आएंगे, तो वो हमारे ऑडियंस हो गया। तो इवेंट कुछ भी हो सकता है, कॉन्फ्रेंस हो सकती है, कोलेब्रेशन का इवेंट हो सकता है, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे स्पीकर बोल सकता है, तो उसके ऑडियंस और स्पीकर के बीच में न्यूट्रल रहता है, केवल वो एक ऐसा ब्रिज बनाता है कि वो अच्छे से एक दूसरे को हैंडल कर पाए। अलाउ द ऑडियंस इनफ टाइम टू फॉर्मुलेट क्वेश्चन, और ऑडियंस को इतना टाइम दिया जाता है कि वो अपनी क्वेश्चन को कर सके और स्पीकर को इतना टाइम रहता है कि वो हर क्वेश्चन का आंसर दे सके, लेकिन अगर बहुत अधिक ऑडियंस है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ऑलवेज आस्क वन क्वेश्चन एट अ टाइम, हमेशा एक क्वेश्चन ही एक बार में पूछा जा सकता है, तभी उसका आंसर प्रॉपर ढंग से इवेंट में दे सकते हैं। वॉच द ऑडियंस रिएक्शन, और उस क्वेश्चन का ऑडियंस पे क्या रिएक्शन होता है, वेदर दे आर इंटरेस्टेड और नॉट, यू कैन सी बाय द हैंडलिंग ऑफ इवेंट्स। कंक्लूड विद अ प्रैक्टिकल कंक्लूजन, और जो भी इवेंट आपने रखा उसका कोई ऐसा अच्छा कंक्लूजन निकालना पड़ेगा लोगों की बातें सुन के कि जो सभी को सेटिस्फाई करे, तभी आप कुछ आगे इम्प्रूव कर सकते। फैसिलिटेशन इज आर्ट एंड इट हैज़ बिकम अ की फॉर मैनी इवेंट्स एंड मीटिंग। दिस पोस्ट इज ओनली स्क्रैचिंग द सरफेस टू मास्टर इट एंड टू लर्न मोर, और यहाँ पर ये पोस्ट ऐसी है जो कि आपको सिखाती है बहुत कुछ, और लोगों को आप फैसिलिटी दीजिएगा तभी आप अपने ही इवेंट को सक्सेसफुल बना पाइएगा। हाउ कैन बी अ गुड कंटेंट मॉडरेटर, अब इवेंट मॉडरेटर के बाद कौन आया, कंटेंट मॉडरेटर आया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनल क्वालिटीज नीडेड टू बिकम अ गुड कंटेंट मॉडरेटर आर पेशेंस, इंटीग्रिटी एंड क्यूरियोसिटी। अब आप में आप तभी अच्छे कंटेंट मॉडरेटर बन सकते हैं जब आप में बहुत अधिक पेशेंस हो। मॉडरेटिंग कंटेंट इज नॉट ऑलवेज इजी एंड समटाइम इट कैन बी अ चैलेंजिंग टू मेंटेन अ हाई पेस। अब कंटेंट मॉडरेटर बनना कोई इजी वर्क नहीं है और इसके लिए बहुत अधिक पेशेंस चाहिए। जब आप चीज़ों को ढूंढिएगा, उसके बारे में जानिएगा, तभी आप अपने कॉन्टेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा, तभी अपने कंटेंट को अच्छा बना पाइएगा। इंटीग्रिटी मतलब सब मिल के करे काम तो ज़्यादा अच्छा है, और हमेशा क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। एक बार कर भी दिया है तो काम, तो उसके बाद भी ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि कुछ बाकी तो नहीं रह गया है, तो आप अच्छे कंटेंट मॉडरेटर बन सकते हैं। हाउ टू ऐड अ कंटेंट मॉडरेटर टू यूट्यूब चैनल, अब यूट्यूब चैनल पर कॉन्टेंट मॉडरेटर को कैसे लगाते हैं। YouTube recently added ability for you to delegate comment moderator to other of your loyal fans in your community, so that the
so that together your community that loves and support you can help you keep your comment section clean. Today I want to walk through the exact process of how this work and how you can promote other in your community to help your manage your YouTube comment. There are actually two places where you can add moderator. अब कमेंट ऑपरेटर मॉडरेटर कौन होते हैं जो यूट्यूब चैनल हमको ऐड करने की फैसिलिटी देता है वो कमेंट मॉडरेटर को हम लोग कैसे कम्युनिटी पे ऐड कर सकें। अब कमेंट मॉडरेटर वही होना चाहिए जो बहुत फेथफुल आदमी हो और आप उसके ऊपर फेथ करते हो जो आपके कमेंट को बिगाड़ ना दे पता लगे कि वो सारे कमेंट डिलीट ही कर देगा तो आपका जो प्रमोशन है वो ख़त्म ही हो जाएगा और कम्युनिटी वेस्टफुल हो जाएगी। तो कहाँ पे हम कमेंट ऑपरेटर को जोड़ सकते हैं youtube.com/comments पे जाएंगे गो टू कमेंट जस्ट youtube.com कमेंट व्हेन यू आर लॉग्ड इन एंड यू गो नेक्स्ट टू एनी ऑफ द कमेंट go to the flag just click down button and then click add this user as a comment moderator comment ko click karenge aur kisi bhi user ko as a comment moderator hum appoint kar sakte hain so that one way to add them just find the comment they are already made and then just promote them at the way aur is tarah se wahan par hum comment moderator ko add kar lenge. Dusra manually hai. The second way is to go over to community setting and then you can just manually add them in this way just by passing the URL. Uska link de denge to hume samajh mein aa jayega ki wo comment moderator hai aur logo ko comment ko wo control karega. They get sent an email that say hey lucky you video creator has made you a moderator on their channel. As a moderator you can now remove unwanted comment from video post on the channel. Comments you remove will be sent to the creator for the review. और जो आप comment remove करेंगे वो creator के पास जाएगा कि उसको वो review करें देखें कि उन्होंने क्या गड़बड़ किया है. And you can click to view my channel, find out more about moderating comment in the YouTube हेल्प सेंटर थैंक यू यूट्यूब टीम. अब वो यूट्यूब टीम को थैंक्स बोलेंगे कि आपने मेरे चैनल पे कमेंट्स को प्रॉपर ढंग से हैंडल किया. एज अ कमेंट मॉडरेटर आई गेट 3 little dots एज एक्स्ट्रा मेनू ऑप्शन आई कैन रिपोर्ट स्पैम और अब्यूज और आई कैन रिमूव देम कम्प्लीटली. जब हम कमेंट मॉडरेटर को अपॉइंट करते हैं तो हमें एक एक्स्ट्रा 3 dot points मिलता है और वी कैन रिपोर्ट स्पैम और अब्यूज और आई कैन रिमूव देम कम्प्लीटली. तो उन कमेंट को हम रिमूव कर सकते हैं वो हम लोगों को मिला हुआ है बाय डिफॉल्ट. हाउ डू मॉडरेटर मार्क कमेंट मॉडरेटर कैसे कमेंट को मार्क करता है. आई कैन जस्ट क्लिक एज अ मॉडरेटर आई कैन रिपोर्ट इट विच विल open on a window and will report it to YouTube as a violation of the community guideline and that is all there is to do. YouTube को inform कर देते हैं कि इन्होंने मेरा community guideline को violate किया है और उसको हम inform करके report कर सकते हैं. Who should be a comment moderator? कौन comment moderator होना चाहिए? कोई भी ऐसा नहीं किसी को भी कमेंट मॉडरेटर आप अपॉइंट कर दी. सो ऑब्वियसली यू वुड वांट टू गिव दिस टू पीपल दैट यू नो एंड ट्रस्ट नॉट जस्ट मेकिंग रैंडम पीपल कमेंट मॉडरेटर. यू डोंट वांट देम टू जस्ट रुइन आवर कम्युनिटी यू वांट देम टू मेक इट बेटर बाय रिमूविंग द जंक. केवल उसी को बनाइए जो आपके जंक को रिमूव करे ऐसे किसी को मत बना दीजिए जो कि आपकी कम्युनिटी को डिस्टर्ब कर दे डिलीट कर रुइन कर दे खराब कर दे. सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर्स विच आई गेट हेल्प फ्रॉम इंटरनेट एंड यूट्यूब आई एम टेलिंग टू यू एंड दिस इज माई रिसर्च अबाउट द मॉडरेटर विच आई गेट ऑन इंटरनेट एंड सम ऑफ द पोर्शन फ्रॉम यूट्यूब and telling to you who is moderator. This is helpful for the new YouTubers
who do not know who is the moderator and how they can appoint the moderator. So this is the step. You go to YouTube Studio, from left setting, click setting community, from automated filter tab, you will get the moderator. You can appoint that moderator if you can expend some money for them, because they charge $18.50 per hour. They are very costly, and if you can afford, then you can appoint them as a moderator. Thank you, viewer. This is all today. If you like it, please share and subscribe. Thank you.